हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त सीएन यालचंद जैन आज आपके सामने फिर से एक लेकर आया हूँ ताजा तड़ाकेदार एग्जेम्पशन वीडियो। तो आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि जब आपको रेंटल इनकम रिसीव होती है या जब आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देते हो तो क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। जैसा कि आप सब ऑलरेडी जानते हो, हमारी एग्जेम्पशन की सीरीज चल रही है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है वो आपको प्रॉपर्टी को दो तरीके से डिवाइड करनी पड़ेगी। एक हो सकता है कि आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दी है, एक हो सकता है कि आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी दी। अब याद रखना, जो आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी दी है उस पे टैक्स लगता बट जो आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दी है वो शायद एग्जेम्प्ट हो सकती है। अब जो आपकी प्रॉपर्टी शायद एग्जेम्प्ट हो सकती है उसके कुछ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ढूंढते हैं। जो आपकी प्रॉपर्टी दैट इज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वो कौन से केस में एग्जेम्प्ट होगी, तो देखो याद रखना, आपकी कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होने दो, उसके आप दो यूज कर सकते हो। कितने यूज कर सकते हो? दो यूज कर सकते। एक रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करोगे, सेकंड कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करोगे। मतलब अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज की जब तो वो एग्जेम्प्ट, वही हमारा आज का टॉपिक भी है। बट अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज के लिए यूज की तो टैक्सेबल हो जाएगा। विच मीन्स, एंड आई एम ऑल्सो कंक्लूडिंग द वीडियो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप अपने घर से या अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से अपना बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो तो याद रखना, वो ट्रेड पर या वो बिजनेस प्रोफेशन या वो जो रेंटल इनकम आप पे करने वाले हो वो डेफिनेटली जीएसटी के दायरे के अंदर ही। आशा करता हूँ आपको ये आज का मेरा प्यारा सा बट छोटा सा वीडियो समझ में जरूर आया है। मैं एक और आप लोगों का बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर्स फ्रॉम 500 टू 600 ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर ही पहुंचा दिए हैं। सो आशा करता हूँ कि 500 क्या 600 क्या हम जल्द ही 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड हाँ, अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, और बेल आइकन तो दबाना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।